Welcome, students of 9th class in FBI's online classes. This is Muktar sir with the topic Physical Features of India. This is part number one of this very topic and it is of geography subject. So, we will discuss here the physical features of India and uh, one by one I will try my best to. क्लियर द कंसेप्टज़ रिगार्डिंग दिस फिज़िकल फीचर्स जहाँ तक बात फिजिकल फीचर्स की है एज फार एज द होल इंडिया इज़ कंसर्नड वी डोंट द सेम फिजियोग्राफ़ी ऑल ओवर इंडिया तो हिंदुस्तान कहीं पर हमें प्लेन टोपोग्राफी इसमें मिलती हैं देर आर सम रीजनज वहाँ पर माउंटेनस रीजनज स्लोपी रीजनज़ कहीं माउंटेन्स लॉफ्टी माउंटेन्हीं प्लेट नज़र आते हैं और डेजर्ट्स के साथ साथ हमें आइलैंड्स भी नज़र आते हैं तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान वास्ट फिजोग्राफिक डिविजन्स का मालिक हैं ऑन द मैप ऑफ दिस इंडिया वी हैव सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल डिविजनस देर आर सिक्स इन नंबर नंबर वन द हिमालयन माउंटेन्स द नॉर्दर्न प्लेन्स इंडियन डेजर्ट दैनसुलर पलेटो द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं इसके पास्ट में जहाँ हिंदुस्तान पास्ट में हुआ पास्ट में हुआ करता था तो आज उस पोजिशन पे नहीं है अगर इस मैप पे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान कहाँ पर है बिल्कुल आपने अंदाज़ा सही लगाया यहाँ पर आपको हिंदुस्तान नज़र आता है लेकिन चूंकि ये इस वक्त इस पोजिशन पे नहीं है जिस पोजीशन पे इस मैप पे दिखाया गया है इसके बीच में यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में एक समुद्र हुआ करता था, था जिसको टिथीस सी कहा जाता था कंटीनेंटल ड्रिफ्ट मूमेंट की वजह से हिंदुस्तान आ, इस लोकेशन को छोड़ के आगे चलता गया लेकिन चलते चलते ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम इसमें वॉल्कि एरेपशन भी होती गई ठीक है सर तो वार्कनिक्रप्शन की वजह से हिंदुस्तान का जो पेनसुलर रीजन है वो वजूद में आ जाता है लेकिन चूंकि इसकी जो मूवमेंट नॉर्थ की तरफ थी वो चलती रही ये हिंदुस्तान जो है नॉर्थवर्ड मूवमेंट इसकी चलती गई चलती गई चलती गई अल्टीमेटली ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा के यहाँ पर जो है फोल्डिंग हो जाते हैं जिसकी फोल्डिंग की वजह से जो हिमालयाज आज हमें वजूद में नजर आते हैं या हिमालयाज बाद में बन जाते हैं इस फोल्डिंग की वजह से तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के आपस में मिलने से जो है हिमालयस बाद में वजूद में आ जाते हैं तो पहले इन्हीं की बात करते हैं नॉर्दर्न हिमालयन माउंटेंस की वैन वी सी दिस फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया इनके बारे में ये कहा जाता है कि दीज आर यंग आ, कार्बन डेटी की मदद से हमें पता चलता है कि ये दुनिया के सबसे जवान पहाड़ है वैसा अब इनको याद रखना दीज आर यंग माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड एट द सेम टाइम फोल्डिंग की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो फोल्ड स्ट्रक्चरली फोल्डेड है मतलब आ, फोल्डिंग की वजह से जो माउंटेन्स uh, वजूद में आए हैं वो हिमालिया हैं तो ये हिमालियाज नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चले जाते हैं पामेर नॉर्थ से शुरू होकर ये ईस्ट की तरफ चले जाते हैं एक अच्छी खासी चेन माउंटेन्स की ये बनाते हैं इसके वेस्ट साइड में इंदस रिवर और इसके ईस्ट साइड में यार ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ते हैं रिमेंबर दिस थिंग्स और ये आर्क शेपड ये माउंटेस रीजन जिसको हम हमालयास कहते हैं इट इज़ अबाउट ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर्स बाप रे बाप अब इस हिमालयन रीजन की एक साइड अगर हम देखें ईस्टर्न साइड देखें अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा जो अगर हम देखें वहाँ पर इसकी जो विड्थ हैं वो डेढ़ सौ किलोमीटर के आसपास है हैं लेकिन वैन यू सी द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस वेरी हिमालयन रीजन जो कश्मीर साइड में पड़ता है यहाँ पर इसकी जो वड है वो 400 किलोमीटर की है और इसी तरह से अगर हम देखें इसकी तीन अलग अलग रेंजेज़ हैं इस हिमालयन रीजन की उनमें सबसे पहली रेंज जो ऊपर वाली रेंज है कंटिन्यूस है इस रेंज है उसको हम ग्रेटर हिमालज करते हैं दूसरा नाम इनर हिमालज इसका तीसरा नाम हिमाद्री भी है और यहाँ पर सबसे ऊँचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की शक्ल में या बाकी माउंटेनस की शक्ल में नजर आते हैं एंड दिस होल माउंटेनस रेंज कवर्ड बाई स्नो अरे यार जितने भी पेरीनल रिवर्स हिमालयन रीजन से आते हैं उनका सोर्स यही हिमालयन रीजन में पड़ता है जिसको हम ग्रेटर हिमालयस कहते हैं एवरेज विथ डेढ़ से 400 किलोमीटर के आसपास है वैन यू सी इट्स एलिवेशन फ्राम द मीन सी लेवल इट इज़ ऑफ अबाउट सिक्स थाउजेंड मीटर्स अरे यार बहुत ऊँचे पहाड़ है, सर, है? इस तरह इसीलिए इसमें माउट एवरेस्ट नज़र आता है दूसरी डिसकन्टिन्यूस रेंज हिमाचल आ, रेंज कहलाते हैं इसको हम लेथर हिमालय भी कहते हैं वैन यू सी इट्स वेड इट इज़ ऑफ अबाउट फिफ्टी किलोमीटर्स एवरेज इसकी वेडित पाए जाते हैं दूसरी रेंज की और इसके एलिवेशन सतह समुंद्र से अगर हम देखें दैट इज़ अराउंड थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड टू फोटी फाइव हंड्रेड मीटर्स ये आल्टीट्यूड इसका है इसका सी लेवल से ठीक है सर इतने ऊंचे पहाड़ हैं सेकंड मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय तीसरी जो सबसे छोटी रेंज है जिसको हम आउटर हिमालय शिवालिक्स कहते हैं ठीक है इसकी एवरेज विड जो है दस से पचास किलोमीटर के आसपास है और इसकी एलिवेशन नाइन हंड्रेड से अलेवन हंड्रेड मीटर के इसका अल्टीट्यूड पड़ता है इसकी एलिवेशन पड़ती है ठीक है सर तो ये है हिमालज के बारे में छोटी सी बातें लेकिन इन ग्रेटर हिमालय से आगे भी दो तीन हिमालयन ये नहीं रेंजेस पड़ते हैं जिनको हम ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंजेस कहते हैं जिनमें कुराकरम आता है जिसमें लद्दाख रेंज और जनस्का रेज आता है लेकिन अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम देखें इसके कुछ अलग अलग डिविजनस हैं इन दस रिवर से लेके चिनाव चिनाब रिकॉन ये इसके सतुलज रिवरता का इलाका जो है उसको हम कहते हैं पंज इसको हम पंजाब हिमालयस कहते हैं पंजाब से काली रिवर तक का इलाका कुमाऊँ हिमालयस कहलाता है और काली रिवर से लेके तिस्ता रिवर तक का रीजन जो है भाई साहब वो कहलाता है नेपाल हिमालयस और फिर इस रिवर से लेके पूरा देहांग रिवर तक जो कि पूरा ईस्ट ईस्ट में पड़ता है उसको हम आसाम हिमालयस कहते हैं तो द फोर मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट याद रहेगा बिल्कुल याद रहेगा सर आपको इनको आपको याद रखना है और इसी तरह से जब हम पूरा ईस्ट में चले जाते हैं वहां पर जो है, ये जो हिमालयस हैं ये साउथ की तरफ मुड़ जाते हैं और वहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट रेंजेस हमें मिलती हैं अगर आप देखें मैप पे यहाँ पर जो है दहहांग रिवर से दहहांग गौर से जो हिमालय है वो नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं और इन हिस, इस हिस्से को हम कहते हैं पूर्वांचल है तो हिमालय का हिस्सा लेकिन इसका दूसरा नाम पूर्वांचल है इसमें पहले पहला जो हिस्सा पड़ता है वो पातका हिल्स पड़ता है दूसरी जो रेंज है वो नागा हिल्स और तीसरा मीजो हिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है सेकंड इंपॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन ऑफ द इंडिया इज ब्रह्मपुत्र दीज ग्रेट इंडियन प्लेन्स और ये ग्रेट इंडियन प्लेन्स इस रीजन की तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ और जिसमें चहलिम जिनाब रावी ब्यास है सतुज वगैरह आते हैं और इसके साथ गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज और उसके साथ साथ ईस्ट वाला रिवर कौन सा है यस yes, ब्रह्मपुत्रा रिवर ब्रह्मपुत्र और इसकी ट्रिब्यूटरीज ये तीनों इंपॉर्टेंट रिवर्स इंदस गंगा और ब्रह्मपुत्र हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लेन ग्रेट इंडियन प्लेन बनाते हैं ठीक है सर इन्हीं तीन रिवर्स की वजह से ये इलाका हमें नज़र आता है याद रहेगा ना सर इसके कुछ हिस्से हैं जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं पहला हिस्सा बाबर पड़ता है दूसरा हिस्सा तराई पड़ता है और तीसरा हिस्सा इसका पड़ता है बांगर और चौथा इसका पड़ता है खादर हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके इसको नॉर्थ से साउथ की तरफ हम जब चले जाते हैं तो हमें ये चार डिवीजनज इस नॉर्दर्न प्लेन के नज़र आते हैं आए बात समझ में इसके बाद हम देखेंगे कि जो ही रिवर्स माउंटेनस रीजन या शिवालिक को छोड़ के प्लेन रीजन में पहुंच जाते हैं इनमें बड़े बड़े पैबल्स या बोल्डर्स जो होते हैं वो सीधे हिल्स पर डिपॉजिट होते हैं और वहाँ से आने वाली जितनी भी रेरिया दरिया जो ये लाते हैं वो इनको डिपॉजिट करके इन्हीं पैबल्स और बोल्डर्स के नीचे से बहना शुरू कर देते हैं इसी वजह से नॉर्थ से आने वाले जितने भी दरिया है अगर हम उनको मैप पे देखते हैं वो इस बाबर रीजन में डिसपेयर होते हैं क्योंकि वो इन्हीं पत्थरों के नीचे से चलते हैं ना भाई साहब हाँ इन्हीं के नीचे से चलते हैं इसलिए वो दिखाई नहीं देते इस रीजन को छू ये पहला रीजन हो गया दूसरा इसके बाद जब भी फिर से ये मर्ज होती हैं स्ट्रीम्स वहां पर वेट स्वयं मार्शी लैंड बन जाता है जिसको हम तराई रीजन कहते हैं दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ शबाश नॉर्दर्न प्लेन ये तराइल स्वयं प्रेज, स्वयं रीजन है अच्छा इसके बाद वहाँ पर जो तीसरा इलाका पड़ता है वो रिवर्स का बनाया हुआ होता है क्योंकि रिवर्स अगर हम देखें पहले बहुत पहले जब ये रिवर्स चलते हैं तो उनका जो डिपो जो फ्लड प्लेन है वो बहुत बड़ा होता है लेकिन बाद में चूंकि डेफ्थ ज़्यादा होने की वजह से अब ये उस इलाके तक सैलाब के दिनों में नहीं जा पाता है तो पुरानी मिट्टी जो इस दरिया ने डिपॉज़िट की हुई होती है जो बहुत पुरानी होती है उसको हम बोलते हैं बांगर यस उसको बांगर कहा जाता है लेकिन नई जहाँ पर आज के दिनों में दरिया सैलाब के दिनों में जाता है और वहाँ पर डिपॉजिट करता है मिट्टी उस रीजन में पाया जाने वाला जो न्यूअर एल्यूवियम होता है उसको हम खादर खादर का नाम देते हैं ओल्डर एलुवियम बांगर कहलाता है और नया एलुवियम खादर कहलाता है और जिस इलाके तक प्रेजेंटली एक दरिया का पानी शबाश किस में सैलाब के दिनों में जाता है द रीजन विच इज़ कवर्ड बाय वाटर ज्यूरिंग द फ्लड्स उस पूरे इलाके को हम फ्लड प्लेन ऑफ रिवर कहते हैं सैलाब के दिनों में जिस इलाके तक जाता है उसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं सो फॉर एज दिस नॉर्दर्न प्लेन आर कंसर्न देखा और एटलीस्ट सेवन लैक्स स्क्वायर किलोमीटर एरिया बाप रे बाप छब्बीस सौ किलोमीटर लंबा इलाका भी है और इसके साथ साथ अगर इसकी विडथ हम देखें वो दो सौ चालीस से लेकर तीन सौ बीस किलोमीटर तक की है ओके सर सो दिस वॉज ऑल अबाउट द दिस पार्ट नंबर वन ऑफ दिस वेरी अ टॉपिक होप यू हैव एंजॉयड आपने इसको अच्छी तरह से uh, सुना होगा और अगर आप फिर से इसको एक बार देखेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए अगले वीडियो तक तो के लिए सलाम अलैकुम